Alright. Ulti belly. Alright guys, so welcome back to my YouTube channel and a very good morning to all of my YouTube family and मैंने vlog upload कर दिया. अगर आप लोगों ने vlog नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, मतलब क्या कर रहे हो. आप लोगों के लिए चैलेंजिंग वीडियो बनाया है ना, तो जाओ जाके देखो. आप लोगों को आई बटन में आगे वीडियो में शो हो जाएगा है ना. तो आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी, क्योंकि बस सुबह उठ के सबसे पहले मेरा काम यही रहता है कि मैं व्लॉग अपलोड करूँ सबसे पहले है ना. तो फिलहाल मेरा नाश्ता रेडी है जो कि है और सबसे पहले मैं नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे आगे है ना. तो आज बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है. Alright, यार मेरे को बाल कटवाने हैं कॉज अब मुझे बहुत गर्मी लग रही है इन बालों में यार, सीरियसली. तो सबसे पहले मैं अपना नाश्ता कंप्लीट कर लेता हूँ, देन अपन व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे. कॉज आज मौसम थोड़ा नॉर्मल है, थोड़ा नॉर्मल, ज्यादा नहीं, थोड़ा नॉर्मल है, तावड़ा तावड़ा. तो या मौसम अच्छा हो रहा है, नॉर्मल है, थोड़ा सा अच्छा है. तो फिलहाल मैं नाश्ता कंप्लीट कर लेता हूँ एंड देन जब तक मैं नाश्ता कंप्लीट कर रहा हूँ आप लोग मेरा वाला वीडियो देख सकते हो है ना. तो जाओ जाके वीडियो देखो, जब तक मैं मिलता हूँ आपको आगे व्लॉग के. तो फिलहाल चलते हैं. और अभी ऐसा आज वर्कआउट नहीं हो पाया बिकॉज वो जो रॉड थी उसको सही करना पड़ेगा. ओके, कॉल वाले परेशान करते हैं है ना. तो पहले वो रॉड सही कर लेते हैं, ये उसकी कटिंग है जिससे वो स्टेबल रहेगा. ये प्लेट्स तो पहले मैं वो करवा लेता हूँ. ये रही रोल्ड, तो फिर काम करवा के अभी मिलता हूँ. बड़ी मेहनत के बाद हमारा ये रोल बन गया है ना. हाँ, और ऐसे ही मेरे पास तो कॉन्ट्रेक्टर नहीं है, हमें सब आता है ना. तो ये बन गया घर में, एक रॉड प्लस बाइसेप कर्ल्स के लिए रॉड बन गई है, प्लस ये चेस्ट के लिए भी आ जाएगी है ना. तो जब तक लॉकडाउन नहीं होता, जब तक जिम नहीं खुलता जब तक के लिए, तो मेरे लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा वर्कआउट करना. तो मज़ा आया इसको बनाने में, बहुत टाइम हो गया. मैं इसको चाहता था ये कंप्लीट हो जल्दी से, बट पापा को टाइम नहीं मिल रहा था. देन आज पापा को टाइम मिला और संडे को पापा की छुट्टी रहती है, सो फाइनली आज बन गया है ना. हमें रात पे फिर कभी लग गया थोड़ा, तो कोई ना है ना. तो फिलहाल अभी हो रही है गर्मी बहुत, और इसको बनाते बनाते और गर्मी लग गई. तो फिलहाल चलते हैं भाई नहाने, और मैं नहा के मिलता हूँ आपसे आराम से बात चला. तो फिलहाल के लिए तो बाबा बाय बाय, चलो आगे मेरे साथ चलो. Alright guys, तो ये बालों को क्या हो गया. Alright, so मेरा रूम पूरा सत्यानाश कर दिया मैक्स ने, बिकॉज मैक्स अगर किसी के घर पे बिल्ली है, अगर कोई बैट है तो वो जानता है कि भाई कुछ भी चीज नहीं रहने देते उसे. तो फिलहाल उसने मेरे घर पे जो कपड़े थे, मेरे रूम में लाइट बहुत अच्छी आ रही है, और मैं नीचे से टेबल लेके आया था जब से मेरे पास ही रखी हुई है, मैं इसको ऊपर से नीचे ले जाना भूल गया. तो फिलहाल मैं अपने कपड़े सही, ये तो पूरा रूम इतना मैसअप पड़ा रहता है मेरा,
मम्मी ने मना कर दिया कि वो ये सामान सही से नहीं रखेंगे बिकॉज वो पागल हो जाती है रख रख के, और मैं जब रखता हूँ कैसे रखती हूँ। All right, फिलहाल मेरा दोस्त आ रहा था, अब देखते हैं वो आता है या नहीं आता है, बिकॉज अगर उसका घर थोड़ा दूर है तो अगर वो आया तो अपन बाहर चलेंगे, आज थोड़ा थोड़ा काम भी है, अपने को घूमना भी हो जाएगा। कुछ भी ओके, सो मैं मिलता हूँ आपको आगे वीडियो में, ठीक है? ओके, बिकॉज आज पापा घर पर है तो ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, बस कुछ बना नहीं पाऊंगा, बिकॉज पापा कहते हैं कि भाई खाने का वेट करो, बिकॉज ज्यादा फालतू मत खाओ, मैदा मत खाओ, बिकॉज कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है ना, मैदा वगैरह पेट खराब करता है, अच्छा नहीं रहता सेहत के लिए। तो अपन चलते हैं वीडियो में आगे, कंटिन्यू करते हैं, है ना? तो फिलहाल मेरा रूम हो गया है, भाई अगर सच्ची बोलूँ मेरे को उधर बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, स्किन बहुत अच्छी लग रही है, ये पिंपल चल जाएगा। चलो भाई चलते हैं वीडियो में आगे, थोड़ा देर में चलते हैं, कॉल अभी को थोड़ा सामान लेना है, सब्जी भाजी। तो कहाँ गया भैया जी? रेडी? ऑलराइट, सो राम प्यारी रेडी है, हम भी रेडी हैं, चलते हैं। ऑलराइट, तो थोड़ा थोड़ा मार्केट मुझे खुला खुला दिख रहा है, कॉल अब ग्वालियर में लॉकडाउन खुल जाएगा, हो रहा है ना, तो ग्वालियर में लॉकडाउन खुलने का हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हो मार्केट में थोड़ी सी रोशनी सी आ चुकी है ना भीड़ की, तो फिलहाल नॉइज बहुत आ रहा होगा तो मैं नॉइज के लिए माफी चाहूंगा, और फिलहाल आप वीडियो एंजॉय करो, एक अच्छा सा गाना लगाते हैं, शुरू। These fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains. बिकॉज मेरे डम्बोस में से जो जो सीमेंट के मैंने बनाए थे, आई मीन पापा ने, इसमें से सीमेंट थोड़ा जड़ता था, तो मैंने सोचा, आई मीन पापा ने सोचा क्यों ना इन पर कलर कर दिया जाए, जिससे ये थोड़े दिखने में भी अच्छे लगेंगे, लाइक काइंड ऑफ प्लेट लगेंगे, बिकॉज प्लेट्स भी ब्लैक कलर की होती हैं, तो कलर करो भाई, मेरा चेहरा भी बताए। उसके बाद फिर चाय पियेंगे, मैं ये काम खत्म कर लूँ, बिकॉज गर्मी बहुत हो रही है भाई, है ना? चीजें मैटर करती हैं कि आपको करना क्या है, बिकॉज अगर सब लोग यही सोच रहे होंगे कि जिम ही नहीं ओपन है तो कैसे करें, बताओ? ऑल डिपेंड ऑन योर माइंड, आप चाहो तो आप सब कर सकते हो, और आप ना चाहो तो आपके पास सब कुछ हो तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना? सो तो मैं पहले ये कर लेता हूं,
फिर मैं आपको चाय पीते पीते बताऊंगा, चाय पीते पीते बातें करते हैं। ओला जाए तो मैंने अभी आज गोरिल्ला पॉट टिकाया नहीं है ना, तो फिलहाल गर्मी देख सकते हो भाई हालत। ओ माय गॉड भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ग्वालियर। मैं सच्ची बोलूँ, मैं दोपहर में बोला था कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बट एटलीस्ट नॉर्मल तो है, बट शाम के वक्त आते आते मौसम की हालत ख़राब हो गई। और आज का व्लॉग नॉर्मल था, पापा ने बोला कि डंबल्स को कलर कर लेगा, पापा की संडे को छुट्टी रहती है तो पापा ने कहा कि चलो भाई काम कर लिया जाए, तो आज दो तीन काम निपटाए हैं और जितना हो सका मैंने व्लॉग किया। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को रोक के, है ना, और शेयर करें वीडियो को एक जने के साथ किसी है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल फिर से मुलाकात होगी इस नाचीज से, तब तक के लिए बाय, चेक केयर, पीस एंड सेफ रहो।